गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इससे पहले वाला जो व्लॉग था वो आपने देख ही लिया होगा, दैट वाज ऑल अबाउट सरोजनी नगर मार्केट, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की आपको सारी मार्केट दिखाने की। सारी मार्केट दिखाना इज नॉट पॉसिबल इन वन डे, सो आई ट्राइड, जितनी शॉप्स हो सकती थी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज किया। ओके सो लेट्स स्टार्ट, लेट मी शो यू द फर्स्ट थिंग विच आई हैव परचेज, दैट इज दीज काइंड ऑफ इयररिंग्स। सो ये मैंने लिए थे, तीन पेयर लिए थे मैंने, उन्होंने बोले थे दिस वन इज फ्रॉम 30 पर पीस, यू कैन सी दीज आर इन ट्रेंडिंग सो यू कैन वियर इट। ओके गोल्डन, ये मैंने दोनों सेम ही लिए हैं, गोल्डन एंड सिल्वर में। ये थोड़े से डिफरेंट हैं, जैसे आप ट्रेडिशन वगैरह कुछ भी वियर करते हो आप उसके साथ इन्हें पहन सकते हो, काफ़ी प्यारे लगेंगे। पर्ल वाले ये वेस्टर्न पे भी आप पहन सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, ये मैंने 30 का वन पीस है, तो टोटल मुझे 90 के पड़े थे। मैं आपको दूसरे दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, और आजकल ये ट्रेंडिंग में भी, आजकल ये तो काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग में, लोग इन्हें काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और बहुत प्यारे भी लगते हैं। कैन सी दीज वन हाउ प्रीटी इट इज, यस। सो ये मुझे 50 का एक पेयर पड़ा था, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली नहीं है, इट्स बेटर। अगर आप अपनी नॉर्मल मार्केट में जाओगे तो काफ़ी महंगे मिलेंगे आपको, बट सी द क्वालिटी पीपल हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ओके एक ये है इसमें और एक है ये वाले, जो कि मुझे पूरी सनफ्लावर वाली वाइब दे रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये दोनों मेरे को 50-50 के पड़े हैं। ठीक है, सो इयरिंग्स में तो मैंने ये 5 पेयर लिए थे, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ हेयर क्लिप्स ली थी, कुछ क्लचर्स लिए थे, वही ये मैंने लिया है 4, जो कि मुझे 100 के 4 मिले हैं। आप देख सकते हो ये काफ़ी क्यूट क्यूट से हैं। दिस वन फर्स्ट वन, दिस वन इज सेकेंड वन, और इनकी प्लास्टिक भी काफ़ी ठीक है, तो मेरे को ठीक लगे, काफ़ी रीजनेबल लगे। दिस वन एंड दिस वन इज सो प्रीटी। मैंने कुछ वैसे, मैंने आज जो भी शॉपिंग करी है वो मैंने सारी विंटर से रिलेटेड करी है, क्योंकि अब एक महीने बाद विंटर ही आने वाला है, कुछ दिनों बाद विंटर आई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 पेयर ऑफ सॉक्स ली थी, तो ये मुझे पड़ी थी अराउंड आई गेस 100 और 80, 5 पीसेस। सो इट्स बेटर, इट्स गुड, द क्वालिटी इज़ वेरी स्मूथ, सो आई परचेज इट। ओके 5 पेयर इन 80 और मे बी इन 100, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, मे बी 80 और 100। ओके नाउ लेट मी शो यू, आई हैव परचेज वन मोर थिंग रिलेटेड टू हेयर, दैट इज दिस वुडन कॉम। ये मैंने मीशो पे, अमेजोन पे काफ़ी ट्राई किया था, बट वो मेरे को काफ़ी कॉस्टली लग रहा था एज़ पर द कॉम। ये वहाँ पे मेरे को पड़ा है आई गेस 30 और 50 में से। द बैग्स विच आई हैव परचेज, द फर्स्ट वन इज़ दिस इन चॉकलेटी कलर, यू कैन से इट, इट्स ब्यूटिफुल। मुझे सबसे प्यारा लग रहा है जिसमें गोल्डन वॉक दे रखा है, इससे और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ओके द फर्स्ट वन इज़ दिस एंड द सेकेंड वन इज़ दिस। ये वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बिकॉज ऑफ दिस कलर, सी हाउ रॉयल कलर इट इज, एंड आई रियली लाइक दिस टाइप ऑफ बैग्स। सो गाइज अगर मैं इनके प्राइस की बात करूँ तो ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये दोनों मेरे को पड़े थे आई गेस, आई डोंट रिमेंबर नाउ, आई गेस ये दोनों मेरे को पड़े थे 600 के समथिंग, 600 यस अराउंड 530 में भी 600 में मेरे को दोनों पड़े थे, तो मेरे को काफ़ी रीजनेबल लगे तो मैंने ले लिए। मैं पहले भी वहाँ से कुछ पैक्स लेके आई थी बट वो मेरे कॉलेज के लिए, ये अभी मैंने ऐसे ही बाहर जैसे कभी भी जाते हैं तो उसके लिए है। नाउ लेट्स कम टू माई फेवरेट पार्ट, दैट इज क्लोथ्स। ओके सो गाइज मैंने बहुत सारे विंटर वियर ही लिए हैं बिकॉज कुछ दिनों में तो विंटर आने वाली है, तो मैं अपने पैसे क्यों फूंकती गर्मी हुए कपड़े खरीद के। ओके सो द फर्स्ट वन इज दिस वन, यू कैन सी दिस। ओके आई लाइक, आई मैंने सारे ट्राई किए थे ना घर पर आके, तो ये उल्टे सीधे ऐसे ही पड़े थे, आप देख सकते हो कितना सुंदर है गाइस, इसका प्रिंट देखो आप, आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन मोर। ओके सो ये मेरे को पता नहीं कितने का पड़ा था,
जो भी मैं आपको भी विंटर वियर्स दिखाऊंगी ऊपर के जो भी स्वेटशर्ट वगैरह होंगी, तो मुझे अराउंड आई गेस 250 से स्टार्टिंग है, और द लास्ट वन विच आई हैव परचेज दैट इज 450। अब मेरे को ये नहीं याद कि किसका कितना प्राइस है। ओके सो मे बी इट इज ऑफ 250 और 350, आई डोंट रिमेम्बर, आई गेस 250। ओके दिस वन इज फर्स्ट एंड ब्राउन वन। ओके नाउ लेट मी शो यू द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज दिस वन गाइस, सी द कलर। ओके सो इट इज वाइट, इट इज इन वाइट कलर। आई लाइक द नेक लाइन ऑफ दिस स्वेट शर्ट, कैन सी द कलर कॉम्बिनेशन एंड द सेम मैनर यू कैन सी द स्लीव्स एज वेल, द सेम पैटर्न यू विल गेट ऑन स्लीव्स एज वेल। It is of around 250 or 350, I guess. Then I have the next one. This one, black, my favorite color. So, इस वाले को आप किसी भी कुर्ती वगैरह अगर आप सर्दियों में पहनना पसंद करते हो, कोई भी ट्रेडिशनल वगैरह, उसके साथ आप ओपन करके भी पहन सकते हो, या आप जीन्स के साथ भी इसे डाल सकते हो ओपन करके, जैसे भी आपका मन करे। एंड इट इज ऑल अबाउट गाइस, मेरी वन कैमरा के पीछे बैठी है और ये सारी पन्ने इकट्ठी करती है। ओके सो इट इज ऑल्सो अबाउट 250 और मे बी 200। ओके सो द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दिस वन आई लाइक इट गाइस। ये मैंने ऑनलाइन भी काफी देखी थी, जारा पे भी, मैंने जारा की वेबसाइट पे भी देखी, और मैंने इसे काफी और अमेजोन मीशो सब पे देखा, बट मेरे को सेम नहीं मिली। आई थॉट बट आई गॉट इट फ्रॉम सरोजनी। दिस वन इज कॉस्टली वन फ्रॉम माई ऑल द क्लोथ्स, नॉट ऑल द क्लोथ्स बट स्वेट शर्ट। दिस वन इज अराउंड 450 आई गेस, देन आई स्टार्टेड बार्गेनिंग। ओके इट इज अराउंड आई गेस 400 और 420 दिस वन। ओके एंड आई परचेज्ड वन शर्ट एज वेल, let me show you this one। ये तो आप कहीं से भी लोगे, आपको अगर आप मॉल वगैरह से लोगे, ज़ारा से लोगे, कहीं से भी लोगे, आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, बट ये मुझे पड़ी है 350 की, देख सकते हो आप गाइस। अभी पता है क्या हो रखा है, अभी मार्केट में ना विंटर कलेक्शन ज़्यादा आ रहा था, तो वो समर कलेक्शन पे तो वो फिक्स ही प्राइस बोल रहे थे, वो कम भी नहीं कर रहे थे, बट हाँ विंटर वाले क्लोथ्स पे वो काम कर रहे थे, बट इन पे नहीं किया उन्होंने, ये मेरे को 350 की ही पड़ी है। एंड आई परचेज वन जीन्स एज वेल गाइस, दिस वन इट इज डेनिम वन, सो आप जो भी पेयर लेते हो ऊपर पहनने के लिए उसके साथ एक डेनिम तो होनी चाहिए जो सबके साथ जाए। सो ये मैंने स्ट्रेट में लिया है, आप देख सकते हो इसके नीचे से ऐसे पूरी स्ट्रेट फिट है ये। ये मेरे को, ये मैंने आई गेस, मतलब अगर आप जीन्स कहीं से भी लेते हो, अगर आप अपनी लोकल मार्केट से लेते हो या मॉल से लेते हो, कहीं से भी लेते हो, 1000 से स्टार्टिंग होगी, 1000 से 150 से स्टार्टिंग होगी, बट वहाँ पे मेरे को जीन्स की स्टार्टिंग जो थी वो 500 से स्टार्टिंग थी, और आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर आप वो रिप वाली लेते हो तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं आपको, अगर आप नॉर्मल जीन्स लेते हो, बल्कि उनके पास रिप के ज़्यादा ऑप्शन थे, बट आई एम वर्किंग सो आई कैन नॉट वियर दैट, सो आई परचेज दिस वन that is around 600। okay this one, so इसमें भी काफ़ी कलर ऑप्शन थे, बट मेरे को कुछ ऐसा ही कलर लेना था जो मेरी सारी कपड़ों पर चला जाए। ओके सो आई परचेज दिस वन एंड द फिट इज सो अमेजिंग। ओके